नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं भी हूं मैदान में। मैं हूं विकास शर्मा। मैं मौजूद हूं कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र में। धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, जिसके पूरे देश और दुनिया में ख्याति है, और उस विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। 3.5 लाख के करीब यहां पर वोटर हैं। किस तरीके की यहां पर समस्याएं हैं, क्या काम नहीं हो पाया है, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से सतीश मणि त्रिपाठी जी हैं। आप ऐसी जगह से चुनावी मैदान में हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। ये ऐसी जगह है, देश और दुनिया से लाखों की तादाद में हर साल यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। यहाँ की किस तरीके की समस्याएं हैं जो आप देखते हैं कि जिनका अभी तक समाधान नहीं हो पाया है, लोग मुश्किल में हैं, और आपको मौका मिलता है तो आप ये काम पहले करेंगे? जिस स्थान पर आप खड़े हैं और जहाँ से आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, यह स्थान तथागत की समाज स्थली है, और इसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम प्रदेशी सरकार द्वारा जमीनें अधिग्रहित की गई तथागत के याद में 500 फीट ऊंची मूर्ति बनाने के लिए 2001 में, जो अब तक इस संदर्भ में कोई भी कार्रवाई प्रशासन के तरफ से नहीं हुआ, और नहीं उनकी मूर्ति बनी, न आगे बनने की कोई संभावना है। मैं चूंकि इस स्थान पर और यहाँ के वासी होने के नाते मैंने अपना दायित्व समझा, और विशेषकर इतिहास के छात्र होने के नाते, कि तथागत के नाम को तो बेचा जा रहा है, लेकिन उनके द्वारा जो उपलब्धि हमको मिलनी चाहिए, उस उपलब्धि से हम सर्वथा हमारा इलाका वंचित रह गया। अखबारों में तो हम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और अंतर्राष्ट्रीय जगह दी जाती है, लेकिन यहाँ के जनजीवन में, यहाँ के ग्रामीण स्तर पर कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय स्थान पे होने का दायित्व बोध नहीं होता है। पिछले 20 वर्षों से मंत्री विशेष जो सपा से संबंधित हैं, इनका बराबर दावा रहा कि मैं क्षेत्र का विकास किया हूं, लेकिन आप स्वतः देख लें कि आपके सामने जो स्मारक जो पड़ा हुआ है, जहां पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शिलान्यास किया था, और शिलान्यास स्थल के बाद ये पूरे के पूरे इलाके में कोई भी ईंट नहीं रखी गई। काश्तकारों से जमीन मैत्री के नाम पर ली गई, लेकिन सरकार ने काश्तकारों के साथ धोखा दे करके पर्यटन विभाग को जमीन हस्तांतरित कर दी, जबकि पर्यटन विभाग के पास कोई ऐसा धन नहीं है कि वो तथागत की मूर्ति का निर्माण करे या उसके संदर्भ में कोई विनिवेश करे। ऐसी स्थिति में मैंने अपना दायित्व समझा कि मैं जिस स्थान और जिस माटी में पैदा हुआ हूँ, उस स्थान और उस माटी के लिए मेरा भी दायित्व है, और मैं इस अभियान को मैंने तेज किया है कि अगर इन लोगों में साहस हो तो यहाँ पर 500 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण करके इस इलाके का विकास करें, और नहीं तो अपने झूठे और कपोल कल्पित मात्र वोट के लेने के लिए जो ये प्रोग्रामिंग की जा रही है, इसे इस पर फुल स्टॉप लगाएं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये जगह है, ख्याति प्राप्त है, यही, इसी से लोगों को संतोष होना पड़ता, बाकी कुछ नहीं? कुछ नहीं, बाकी अगर आप स्वतः निरीक्षण करें कि जिस स्थान पर हम चल रहे हैं, यहाँ कहीं भी आपको भास हो रहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्थान पर हैं? इसमें काम करने वाले लोग जो कर्मचारी हैं, उनकी भी दशा और दिशा देखिए कि वो कैसे हैं और किन परिस्थितियों में यहाँ पर काम वो संपादित करते हैं। तो मेरा सीधा सवाल यह है कि ये 20 वर्षों से सिर्फ यहाँ के इलाके में छलावा किया जा रहा है। रही बात इसका डेवलपमेंट, इसके साथ ही यहाँ से 3 किलोमीटर पूरब, ये तो अंतर्राष्ट्रीय प्लेस है, मंत्री जी के क्षेत्र में भी 3 किलोमीटर पूरब जिस स्थान से हम खड़े हैं, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 20 वर्ष से कोल्ड स्टोरेज बंद पड़ा है, ये मंत्री जी 20 वर्षों में नहीं चलवा पाए। भगवान बुद्ध की नगरी है कुशीनगर, और जाहिर तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ख्याति है, और दुख है एक ये कि परियोजनाओं के नाम पर लोगों के साथ छलावा किया गया, लोगों को कुछ मिला नहीं। त्रिपाठी जी, एक बड़ा सवाल ये है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी के मंत्री हैं, सरकार में मंत्री हैं, वो सड़क को लेकर के, बिजली को लेकर, अगर हम दो चीजों की पहले बात करें तो कितना काम हो पाया, आप उससे संतुष्ट हैं? मैं उनके सड़क के कार्य से संतुष्ट नहीं हूँ। जहाँ भी सड़क अगर 2-4-10 किलोमीटर उन्होंने लेपन करवाया है, तो उसका स्वतः निरीक्षण मंत्री जी स्वतः कर लें। अगर वो आज विरोध में होते तो वो कहते, लेकिन चूंकि उन्हीं के नेतृत्व में सड़कें बनी हैं,
और 6 महीने के अंदर में वो सारी सड़कें टूट जाती हैं। इसके बावजूद भी आज भी उनके विधानसभा क्षेत्र में भैंसहा से लेकर के नरकटिया तक और मंझरिया तक और भैंसा डावर तक की जो सड़क है जिस पर गड्ढे निर्मित हैं, मंत्री जी का अपना विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन आज तक उन सड़कों पर गिट्टी और लेपन का कार्य नहीं हुआ जो पिछले 2 वर्षों से पड़ा हुआ है। मैं तो प्रमाणिक रूप से सड़कों का और गाँव का नाम दे दे रहा हूँ, अगर उनमें और उनके प्रशासन में हिम्मत हो तो मेरी इस बात को काट के दिखा दें कि नरकटिया से लेकर के और सोसा मठिया तक की सड़क क्या बनी है 3 वर्षों में। सिर्फ कसिया और उनके गांव की सड़क जो कसिया कुशीनगर से पिपरा झाम जाती है, बड़े मेहनत के बाद और लोगों के बड़े उछाना के बाद उस सड़क का निर्माण हो रहा है जिसके ठेके भी उन्हीं लोगों के हैं, किसी दूसरे प्राइवेट ठेकेदारों के नहीं है, उन्हीं के परिवार में उन पुलिया और सड़क का ठेका भी है जो लोग संपन्न करा रहे हैं। इससे ज्यादा बाकी और उनके बारे में क्या कहना। एक बड़ी दिक्कत है कुशीनगर में और आसपास के जिलों की भी हम बात करते हैं, वो है पानी को लेकर। शुद्ध पानी नहीं है, तरह तरह की बीमारियां हैं, इंसेफ्लाइटिस से लेकर कालाजार से लेकर किडनी फेलियर तक की कई बड़ी घटनाएं। आपको लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुशीनगर बहुत पीछे जाता चला गया है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आज भी 18वीं शताब्दी में है और इससे अबव नहीं है। जहाँ तक रही अपने इलाके की बात, तो इस इलाके में किडनी और लीवर सिरोसिस इंसेफ्लाइटिस से भी ये बड़ा रोग है और कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में 18 से लेकर के 35 वर्ष के बीच का नौजवान, हमारा लड़का, हमारा भतीजा, हमारा भाई कहीं न कहीं इस रोग से ग्रसित है। औसत गाँव पीछे 10% लोग इस बीमारी से रुग्ण हो चुके हैं। अब इसके कारण है प्रशासनिक लचरपना, मंत्री जी के क्षेत्र में कोई स्थान नहीं बचा है जहां पर देसी शराब मैन्युफैक्चरिंग मैन पावर द्वारा शराब बना करके न बेची जाती हो और खुलेआम न बेची जाती हो। उन्हीं शराबों का सेवन करके नई नौजवान पीढ़ी अपने को रोग ग्रसित कर रही है और अपने किडनी और अपने लीवर से समाप्त हो रही है। मेरा तो ऐसा मानना है कि पूर्वांचल के इंसेफ्लाइटिस से बड़ा अभियान इस लीवर सिरोसिस और किडनी के लिए चलाना पड़ेगा। कोई संसाधन भेज करके प्रदेश सरकार गांव वाइज जांच करा ले लोगों की किडनी और लीवर सिरोसिस, तो मेरी बात की प्रामाणिकता स्पष्ट हो जाएगी। यहां तक कि सरकारी अस्पतालों से भी अगर बायोडाटा ले लिया जाए या RTI में पूछ लिया जाए या सांसद और विधायक ने कितना धन किडनी और लीवर सिरोसिस पर आवंटित किया है, तो यही मेरी बात का प्रमाण होगा कि इस जनपद में किडनी और लीवर की कितनी बीमारी है और इसके बारे में शासन बिल्कुल लचर है और इसके बारे में किसी राजनेता को कोई भी फुर्सत नहीं है और विशेषकर मेरे मंत्री जी को तो बिल्कुल नहीं। सतीश जी, जहां पर हर गांव इस तरीके से, वहां पर कोई भी ऐसा घर नहीं है जो बीमार ना हो, परेशान ना हो, पानी को लेकर इतनी बड़ी दिक्कत हो, अस्पताल आप देख ही रहे हैं क्या हालत है वहां पर। इतने साल गुजर गए, कई सरकारें निकल गई, काम क्यों नहीं हो पाया, कहां कमी रह गई आपको लगता है? यह कमी हमारे समाज को राजनेताओं ने पिछले 20 वर्षों में वो तकसीम किया है, बांटा है जातिगत और धार्मिक आधारों पर। जब वोट आएगा तो नेतृत्व अपने जाति और अपने पराभव को दिखा करके मतदान खींच लेगा और फिर नेता उसके बाद से पलाइट हो जाता है। मैंने अपने अभियान में जाति से एबव उठ करके अपने अग्रिम जीवन को बचाने के लिए मैंने अभियान छेड़ा है और वैसे ही छेड़ा है कि जैसे क्रिकेट की टीमें बनती हैं, मैं भी समाज को वैसे ही जोड़ने का कार्य कर रहा हूं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा है आपका जिला, आपको मौका मिलता है, आपकी सरकार आती है तो किस तरीके की कोशिश होगी? फिलहाल जो लोग कुर्सियों पर हैं, शिक्षा कहने को तो उनके पास अपनी डिग्रियां और तजवीज हैं, लेकिन वो कभी ऐसे छात्र पढ़ाकू नहीं रहे जिनसे उनसे शिक्षा का कोई लेना देना पड़ा हो। तकदीर और समय ने साथ दिया है तो कोई मंत्री बना है और कोई विधायक बना है, लेकिन यूपी बोर्ड की परीक्षाएं अगर आज इन नेताओं को फिर एक बार दिलवा दी जाए तो पता लगेगा कि सभी नेता फेल हो जाएंगे। तो शिक्षा के बारे में इनका कोई ज्ञान नहीं है और इसीलिए हमारा इलाका शिक्षा से अधूरा रह गया। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि 1954 में बुद्ध डिग्री कॉलेज की स्थापना यहाँ पर हुई थी जबकि गोरखपुर विश्वविद्यालय नहीं बना था, लेकिन हमारे इन्हीं राजनेताओं और पार्टियों के चलते आज हमारा ये इलाका कुशीनगर यह हब शिक्षा का हब नहीं बन पाया। गोरखपुर में विश्वविद्यालय तो बन गया लेकिन कुशीनगर का डिग्री कॉलेज अपनी उसी स्थिति
और उन्हीं पड़ाव की स्थिति में पड़ा हुआ है। इसके बारे में किसी भी राजनेता ने आज की तारीख तक अगर विधानसभा में अगर कोई प्रश्न उठाया हो, चूंकि ये कहा जा सकता है कि शिक्षा तो क्यों नहीं दिल्ली की सरकार देखती है, तो मेरा सागरन निवेदन है कि शिक्षा चूंकि राज्य की सूची है और राज्य सूची में प्रदेश सरकार का दायित्व बनता है कि हम कैसी शिक्षा चलाएंगे। आज एक रोजगार की तरफ हम दरअसल इशारा करना चाह रहे थे, शिक्षा की स्थिति क्या है? बड़ी तादाद में नवयुवक हैं आपके क्षेत्र में, रोजगार को लेकर के ना ठोस तरीके से किसी सरकार ने पहल की, ना कुछ ऐसे इंतजाम किए कि कम से कम कौशल विकास हो सकता। हमारे यहाँ रोजगार के संदर्भ में जहाँ तक का सवाल है, राजनेताओं ने कोई स्ट्रक्चर ऐसा खड़ा नहीं किया सत्ता में रहने के बाद कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। सिर्फ उनके मानस पटल पर यही है कि पासपोर्ट बनवाओ और ईरान चले जाओ, पासपोर्ट बनवाओ बम्बई चले जाओ। बॉम्बे बीटी पर देखें कि इस जिले का हजारों नौजवान रोजाना 8 बजे सुबह बॉम्बे के लिए मद्रास के लिए ट्रेनों पकड़ता है। कभी राजनेताओं ने इस पर कभी सोचा है कि आखिरकार ये मेरी जवानी और पानी कहाँ जा रही है? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और जाहिर तौर पर इसका पर चिंता करने की जरूरत भी है। सतीश जी इस पर चिंता कर रहे हैं, तमाम इश्यूज पर चर्चा की, समस्याओं पर हमने गौर किया, क्या चुनावी मुद्दे होंगे आपके जनता के बीच जिन्हें आप लेकर जाएंगे? मेरे जनता के बीच में मेरे चुनावी मुद्दे हैं आपसी भाईचारा, हिंदू मुसलमान एकता, और जो इसको विखंडित किया गया है इसको मूल धारा में लाने का मेरा पहला चुनावी मुद्दा है कि हम जो सामाजिक रूप से बटे हुए हैं, हम सामाजिक रूप से न बंट करके हम फिर राष्ट्रीय रूप से एक हो जाए, हमारे अंदर कूट कूट करके राष्ट्रवाद भर जा, ये मेरा मुद्दा है। एक सवाल बेहद अहम ये है कि क्या जो बुनियादी जरूरतें हैं लोगों की उनको आप मुद्दा नहीं बनाएंगे? क्या सिर्फ और सिर्फ आप इस ट्रैक पर चलेंगे कि कम से कम लोग एकजुट रहें, एकता का संदेश देते रहें इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भूमि से? अगर पहले वो एक नहीं होंगे तो हम बाकी किन्हीं समस्याओं पर सही लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, ये मेरी मान्यता है, मेरी अपनी सोच है। जब हम आपस में ही डिवाइड रहेंगे तो हम किसी भी अच्छी से अच्छी बात को भी हम प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुँचा पाएंगे। तो समाज के लिए जरूरी है कि पहले हम एक हों और आपसी सौहार्द और आपसी भाईचारगी को बढ़ाएं और ये महसूस कराएं कि विकास से हर एक को लाभ होगा, इंडिविजुअल किसी दल को लाभ नहीं होगा, मुझे तो लाभ आने वाली पीढ़ियों के लिए है, और इसके लिए एकता का होना और आपसी सौहार्द का बनना जरूरी है। आपके सामने कई दल के नेता हैं, सरकार भी है समाजवादी पार्टी के, वहाँ से मंत्री भी हैं, वो अपना काम गिनाएंगे, तो फिर आपका जवाब क्या होगा उनके लिए? मेरा उनके लिए जवाब होगा कि मेरे अपने विधानसभा में एक गांव है बंजारा पट्टी, जो मुस्लिम बाहुल्य गांव है, और मैं एक शिक्षक होने के नाते उस गांव का मैंने परिभ्रमण किया और अपने राजनीतिक जीवन का प्रथम प्रयोग भी किया, और वहां मैंने पाया कि इंटायर पूरी मुस्लिम जमात मेरे कंधे से कंधे मिला करके, भाजपा के कंधे से कंधे मिला करके चल रही है, और वहां पर मेरे अपने लिए लोगों ने कार्यालय खोल रखा है, मोदी जी के झंडे गाड़ रखे हैं, और ऐसे कसिया विधानसभा में लगभग 20 मुस्लिम गांव हैं जहां पर भाजपा का झंडा और माननीय मोदी जी का झंडा परचम लहर रहा है, जो मैंने अपने प्रयत्नों से और इस दल को मजबूत करने के लिए और विशुद्ध भारतीय हिंदुस्तानी राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए मैंने ये कार्यक्रम किया है। इसके संदर्भ में किसी भी प्रशासन और किसी भी राजनेता को मेरे तरफ से खुली चुनौती है कि वहाँ पर वो जा करके मेरी इन बातों के की सत्यता को परख लें। आप एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, बहुत पुराना राजनीतिक परिवार आपका है, आप शिक्षक भी हैं, कई साल गुजर गए शिक्षा देते देते, किस चीज का आपको फायदा मिलेगा? मुझे अपने शैक्षणिक कार्य में जो अपने छात्रों के बीच मैंने जो शिक्षण कार्य किया है और इसका मुझे भरपूर लाभ मिलेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। चूंकि शिक्षक कभी जाति धर्म को देख करके शिक्षा नहीं देता है, मेरे सामने बैठने सारे स्टूडेंट्स मेरे अपने होते हैं, अपने बच्चों के समान होते हैं, और कभी भी मैं उन्हें जात धर्म पूछ करके क्लास में नहीं पढ़ाता, तो निश्चित उन्होंने मेरे आचरण, मेरे स्वभाव और मेरे कर्तव्य को देखा होगा, और कहीं भी अगर मेरे बारे में उनकी तजवीज होगी तो निश्चित उन्हें महसूस है कि वो मेरे शिक्षक अगर इस अभियान में आएंगे तो मुझे और मेरे समाज को लाभ मिलेगा, और इसी लाभ के चलते मुझे मुस्लिम बाहुल्य गाँव में भी अपने झंडे को गाड़ने में सुविधा मिली है। ये तो पहला प्रयोग मैंने कर लिया है और करके इस समाज को दे दिया है। अच्छा, मुकाबला आपका किससे, किस पार्टी से है, किस नेता से है? मुकाबला
में तो इस वक्त न सपा है और न बसपा है, लेकिन चूंकि यही दो दल विशेषकर रह गए हैं तो लड़ना तो इन्हीं से होगा। फिलहाल मंत्री जी से तो मेरी कोई मुकाबला नहीं है, वो आज भी लड़ लें, कल भी लड़ लें, 6 महीना बाद लड़ लें, उनके अपने काम गिने जाएंगे और मेरे इस समाज में मेरे अपने परिवार और मेरे अब तक के 40 वर्षों के शैक्षणिक जीवन में दी गई कुर्बानियां याद की जाएंगी। दोनों का तौल होगा, अंदाज मंत्री जी को स्वतः मिल जाएगा कि पलरा उनका भारी है या पलरा मेरा भारी है। एक सवाल आपसे ये है कि आप चूंकि कांग्रेस में कई साल तक रहे, फिर आप बीजेपी में आए, ऐसा आपको क्या लगा, क्या बदलाव दिखा, आपको क्या लगा कि जो काम कांग्रेस में नहीं हो सकता वो आप बीजेपी में रहकर कर सकते हैं? कांग्रेस में कभी भी राष्ट्रवाद को प्रश्रय नहीं दिया गया, और एक शिक्षक होने के नाते मैंने ये महसूस किया कि हमारा स्टूडेंट तभी विकसित और तभी डेवलप करेगा जब उसके अंदर अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम हो और राष्ट्रवाद उसके अंदर आए, भारत मेरा है और मैं भारत के लिए हूँ, उसके अंदर ये भाव न रहे कि मैं कसिया का हूँ और कसिया मेरा है। कांग्रेस के रिजीम में ये भाव पैदा किए जाते थे कि आप अमुक प्लेस के हो और उसी प्लेस के लिए काम करो, लेकिन भाजपा में मैंने ये पाया कि यह उस स्थान के लिए नहीं, इस राष्ट्र के लिए वो समर्पित है, और जब राष्ट्र मेरा मजबूत होगा तभी हमारे पुरानी संस्कृति का वसुधै कुटुंबकम पूरा विश्व मेरा है तभी ये चरितार्थ होगा। इसलिए उनके विचारों से प्रभावित होकर के मैं भाजपा को स्वीकार किया। सतीश जी, आप जनता के बीच जाते होंगे तो जाहिर तौर पर तमाम मुद्दे जनता आपके सामने रखती होगी, सवाल करती होगी, जवाब देते होंगे आप। चुनाव में आपके भी इश्यूज होंगे, क्या आपको लगता है कि इन इन मुद्दों पर जब आप जीत कर आए, अगर आपको जनता ने मौका दिया तो इन इन मुद्दों को आप जनता के सामने रखेंगे और ये चीज आपकी प्राथमिकता होगी, वो क्या होगी प्राथमिकताएं वाली मुद्दे? मेरी प्राथमिकता में मैं चुनाव लड़ने से पूर्व आपसे 2 साल पहले मैंने गोरखपुर से कुशीनगर को रेल से जोड़ने के लिए मैंने एक अभियान किया था रेल लाओ अभियान समिति के तहत, और मेरे प्रयत्नों से और माननीय सांसद जी के प्रयत्नों से रेल मंत्रालय ने उसे स्वीकृत कर लिया है, और लगभग 75 किलोमीटर लाइन जो गोरखपुर सरदार नगर से चलकर पड़रौना तक को जोड़ेगी, यह सिद्धांतिक रूप से लोकसभा में मंत्री ने स्वीकार कर लिया है। संभव है कि इस फरवरी के बजट में यह टोकन अलॉटमेंट हो जाए, और उसी प्रयत्नों के तहत कुशीनगर में आरक्षण केंद्र की भी स्थापना हो चुकी है। तो पहला तो अभियान मैंने इस इलाके के विस्तार के लिए इसको किया, और दूसरा मेरा विस्तार यह है कि पिछले 20 वर्षों में जिस स्थान और जिस जिले में हम सम्मिलित हुए हैं या खड़ा होकर बोल रहे हैं, ये कभी देवरिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1993 में देवरिया से बंट करके कुशीनगर अलग हो गया। मेरे इस पूरे संयुक्त रूप से जिले में 14 चीनी मिलें हुआ करती थी, और 25 वर्षों के इन सपा बहुजन इन लोगों के शासनकाल में 14 मिलों के जगह पर मात्र 3 मिलें चल रही हैं, बाकी सारी मिलों इन्होंने बंद कर दिया है। तो मेरा यह मान्यता है जनता के बीच में कि दहाई 1 से शुरू करके 100 की गिनती की जाती है, कि 100 से 98, 97, 96 की गिनती की जाती है, जो 30 वर्षों में ये 100 से 96 और 97 की तरफ आ रहे हैं, और मैं 3 से 4, 5, 6 की तरफ बढ़ने के बारे में सुन रहा हूँ। मेरे पास डेवलपमेंट और विकास की योजना है, इनमें किसी के पास कोई डेवलपमेंट विकास की योजना नहीं है, सिर्फ असेंबली में पहुँचने की योजना है, जाति बंधनों के हिसाब से कैसे मैं विधानसभाओं में पहुँच जाऊँ और कितना धन अपने परिवार के लिए इकट्ठा कर लूं, इसकी योजना है, मेरे पास इसकी योजना नहीं है। मैं अब तक के अपने सार्वजनिक जीवन में कम से कम 50 मंदिरों और कम से कम 25 ऐसी मस्जिदें हैं जिसमें मैंने अपनी सहभागिता प्रदर्शित की है, और समाज में भाईचारे की बढ़ोतरी के लिए मैंने अपने इस कदम को आगे लेकर के चल रहा हूँ। शिक्षा और स्वास्थ्य बड़ा अहम पहलू है, उसको लेकर के क्या प्राथमिकता रहेगी अगर आपको मौका मिलता है तो? अगर हमें मिलता है मौका तो अब तो मौके से एम्स खुल गया, हम लोगों को तो ये कहा गया था जिस स्थान पर मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि जब यहाँ मैत्रेय बनेगा तो यहाँ एम्स जैसा हॉस्पिटल बनेगा, लेकिन एम्स तो गोरखपुर बन गया, कहीं बना अपनी जगह पर है, उसे मुझे कोई एतराज नहीं है, वो मेरे 40 मिनट का सफर है, लेकिन मैं चाहूंगा कि संत आराध्य प्लेस पर जब मैं अगर मुझे अगर कहीं मौका मिला तो मैं एम्स की एक शाखा जो फ्रेंचाइजी लेकर के यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट एम्स का निश्चित खोलवाने का प्रयत्न करूंगा, जिससे हमारे यहाँ लीवर और किडनी
और इंसेफ्लाइटिस को 40 किलोमीटर से पहले ही हम उसकी दवा और उसकी व्यवस्था कर दें और लोगों के मन के अंदर की जो परिकल्पना है कि यहाँ पर एक भव्य सा अस्पताल बनेगा उसके निर्माण में मैं अपना योगदान दूंगा। चलिए, तो सतीश मणि त्रिपाठी जी 65 साल के हैं लेकिन युवा सोच है, युवाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, यहाँ के लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और उनकी यही सोच है, वो लोगों तक अपनी इस सोच को पहुंचा भी रहे हैं। जनता उनकी इस सोच को कितना सलाम करती है ये चुनाव के नतीजे जरूर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश मणि त्रिपाठी जी समाचार प्लस से बातचीत के लिए जी। तो इसी के साथ ही इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे एक और कैंडिडेट के साथ उसकी सोच के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।